सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट जसवंत, और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आप सभी का जसवंत गेमर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे बंदों के कॉमेंट आ रहे थे, बंदे मुझे कॉमेंट करके बोल रहे थे कि भाई हम जब गेम खेलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, हमारे अंदर से ये फीलिंग आती है कि सामने वाले एनिमी हमें किल कर देगा। मतलब जैसे मान के चलो कि आप स्क्वाड में खेल रहे हो और आपकी फाइट हुई सामने वाले स्क्वाड से, तो बहुत सारे बंदे ये बता रहे थे कि भाई हमें अंदर से ही ऐसा लगता है कि ये स्क्वाड जो हमसे फाइट कर रहा है वो हमें हरा देगा और हम हार जाते हैं। भाई ये क्या है, ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, आप इस प्रॉब्लम का प्लीज कोई सॉल्यूशन लेके आओ। और दोस्तों, कुछ बंदे ये भी बोल रहे थे कि भाई हम जब सोलो में खेलते हैं तो बंदों के पैरों की आवाज़ सुन के ही हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और हम घबरा जाते हैं कि भाई सामने वाला बंदा हमें किल कर देगा और हम जो है हार जाएंगे, और ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे बंदे जो है इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उनको जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो सीधे मेरे पास आए बंदे, मुझे कमेंट किया। एंड गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूँ, आप लोगों को मोटिवेशन दे सकूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मुझे बहुत ही बड़ा काम दिया है, और इस काम को मैंने करने के लिए गाइज बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बनाने से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में सोचने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। सो गाइज, मैंने जो है लगभग 3 घंटे लिए थे इस वीडियो को सोचने में। सो फ्रेंड्स, मैंने जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जिन पॉइंट्स को अगर कहीं मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूंगा, इन पॉइंट्स को अगर कहीं मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा, तो गारंटी मैं ले रहा हूँ गाइज, आपका जो है आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही फ्री फायर का भगवान हूँ। ठीक है, लेकिन गाइज ऐसा मानना नहीं है, आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि यार मुझे कोई बंदा किल नहीं कर सकता है, आई एम द किंग ऑफ फ्री फायर, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन गाइज, आपको ऐसा महसूस होगा साथ साथ आपका गेम प्ले भी बहुत हद तक जो है अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देख लेना अगर कहीं आप मेरी मेहनत की कदर करते हो। गाइज, इस वीडियो को सोचने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे थे, तो अगर कहीं आप जो है मेरी मेहनत की कदर करते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना यार। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, गारंटी मैं ले रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम जो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड यहां पर जो गाइज आप लोगों ने पहले भी सुन लिया है, एंड मैं फिर से बता दे रहा हूं, आज के वीडियो का टॉपिक है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, हमारी पहली जो टिप है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है गाइज गेम प्ले। अब बहुत सारे बंदों के दिमाग में जो है एक सवाल आया होगा कि भाई ये गेम प्ले क्या टिप है, मतलब इसका जो है कॉन्फिडेंस से क्या संबंध है। यस गाइज, पूरा जो है इसका गेम प्ले का जो है कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से आपके गेम प्ले का कनेक्शन आपके कॉन्फिडेंस से है। अब देखो गाइज, अगर कहीं आप जो है गेम अच्छे से नहीं प्ले कर पा रहे हो, आपका गेम प्ले जो है एकदम खराब है, तो आपको अंदर से ही ये फीलिंग आएगी, मतलब नूब बंदा भी अगर आपके सामने आ जाएगा ना, तो आपको ये लगेगा कि यार ये बंदा मुझे मार देगा। हालांकि फ्रेंड्स, सामने वाला बंदा आपसे अच्छा नहीं खेलता है, लेकिन अगर आपका गेम प्ले जो है अच्छा नहीं होगा, आपका गेम प्ले खराब होगा, तो आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि मैं जो हूं इस बंदे को हरा नहीं पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, इस वीक पॉइंट को कवर करने के लिए, इस वीक पॉइंट को मजबूत करने के लिए आप लोगों को जो है, जैसे मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूं प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, उनको देखना है और एंड को फॉलो करना है। ठीक है, तो पहली टिप तो ये हो गई गाइस, आपको अपने गेम प्ले को इंप्रूव करना है जितना हो सके, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखो एंड उनको अपने ऊपर अप्लाई करो एंड अपने गेम प्ले को एनहांस करो, अपने गेम प्ले को इंप्रूव करो। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड पॉइंट के ऊपर, टिप नंबर 2 के ऊपर अभी हम बात करते हैं। गाइस, टिप नंबर 2 है सिचुएशन। सो गाइस, अभी जो है मैं आप लोगों के सामने सिचुएशन को जो है एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सिचुएशन मतलब क्या? तो फ्रेंड्स, जो सेकंड नंबर टिप है वो है सिचुएशन, एंड इसका जो मतलब वो ये है कि देखो, अगर मान के चलो आपने एक गेम खेला एंड आपने जो है मतलब उसमें बहुत अच्छा आपने गेम प्ले किया, एंड जितनी भी सिचुएशन रही, जितनी भी परिस्थिति मतलब सिचुएशन, जितनी भी परिस्थिति रही, आप हर सिचुएशन में आप जो है जीत गए, मतलब हर सिचुएशन में आप जीत के आपने बूया किया, 12-13 आपने किल किए रैंक गेम में, 12-13 किल करके आपने जो है बूया किया, तो फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या नहीं, आप मुझे ये बताइए। बढ़ता है ना, 100% बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जो है तुरंत जो है दूसरा गेम भी स्टार्ट कर देते हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने जो है इतना मस्त गेम प्ले किया, अब अगले गेम में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। और फ्रेंड्स, अगले गेम में क्या होता है कि आप जो है उतरे एंड उतरते ही किसी एनिमी ने आपको किल कर दिया।
अब दोस्तों उस एनिमी ने आपको किल कर दिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं पे जो है डाउन हो जाएगा। मतलब जो आपका पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा था एक अच्छे गेम प्ले को खेल के, आपने जो है जैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया था तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन भी हो जाएगा। लेकिन गाइज आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये एक गेम है। अब ऐसा होता है कि गाइज आप समझो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने क्रिकेट तो आपने खेला ही होगा, क्रिकेट खेला नहीं होगा तो देखा ज़रूर होगा। क्रिकेट में गाइज दो टीम्स होती हैं एंड दो टीम्स में से एक टीम जीतती है एक टीम हारती है। अब जो टीम जीती है उसने भी अपनी तरफ से बेस्ट दिया एंड जो टीम हारी है उसने भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जो टीम हार गई वो ख़राब खेली या वो टीम मतलब अपनी तरफ से उस टीम ने बेस्ट नहीं दिया। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, दोनों टीम्स फुल्ली मोटिवेट होकर आती हैं, दोनों ही टीम्स अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक टीम की जीत होती है एक टीम की हार होती है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि यार मेरे में कोई प्रॉब्लम है या मैं ही अच्छा नहीं खेलता हूँ, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप को फुल्ली मोटिवेटेड रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता था, अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आपके सामने एक वीडियो क्लिप चल रहा है एंड यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो गाइस दो बंदे हैं, तो यहाँ पर एक बंदा आया, एक बंदे को जो मैंने आराम से डाउन कर दिया। फ्रेंड्स ये बिल्कुल प्रो बंदे नहीं है, ये एकदम नूबड़े बंदे थे, ठीक है। एंड देखो अभी क्या होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो है इन दोनों को जो है हराना है, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पर देखो मेरी एक गलती हुई, यहाँ पर जो है एनिमी ने मुझे जो है डैमेज दे दिया, ठीक है। एंड अभी देखो गाइज क्या होता है, मैंने जो फायर किया एंड ये गाइज यहाँ पर जो है बंदे ने मुझे मार दिया। अभी आप देख लो बंदा कैसा है, गाइज बंदा प्रो तो नहीं है, ठीक है, बंदा प्रो नहीं है एंड एकदम मतलब नूब भी नहीं है। आप देखो गाइज उसने मेरे को मारा तो नूब तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, अच्छा खेला बंदा, अच्छा उसने परफॉर्म किया। अब यहाँ पर मैं अगर अपने अंदर ये सोच लूँ कि यार मैं नूबड़े से मारा गया तो मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ या अपना कॉन्फिडेंस में डाउन कर लूँ तो ये फ्रेंड्स अच्छी बात नहीं होगी। मैं आप लोगों को बस एक ही बात समझाना चाहता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू कि फ्रेंड्स गेम है, गेम में हार जीत चलती रहती है, कभी आपको कोई प्रो बंदा मार देगा कभी आपको कोई नूब बंदा मार देगा। तो वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, आपको बस आपके गेम प्ले पर ध्यान देना है, आपके गेम प्ले को आपको इम्प्रूव करते रहना है बस। सो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, मतलब हमारी टिप नंबर 3 जो कि है डू नॉट प्ले विद द इंटेंशन ऑफ द इंक्रीजिंग द रैंक। बहुत सारे बंदे जो है इसी को लेकर खेलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या मैं आप लोगों को समझाता हूं, रैंक पुश करने के इरादे से ना खेले। बहुत सारे बंदे इसी इरादे से खेलते हैं एंड अपना गेम प्ले खराब कर लेते हैं, गेम प्ले खराब करने के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन कर लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है, जो बंदे रैंक पुश करने के इरादे से खेलते हैं उनके साथ हमेशा ये होता है कि वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर जो है गेम में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। अब सर्वाइव करने के लिए काफी सारे बंदे फैक्ट्री के छत पर उतरते हैं, काफी सारे बंदे भीमा शक्ति के टावर के ऊपर उतरते हैं विदाउट लूट के साथ, ऐसे ही बैठे रहते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही जोन छोटा होता है तो वो नीचे उतरते हैं एंड नीचे उतरने के बाद उनको थोड़ा बहुत लूट मिलता है एंड अगर कहीं कोई भी एनिमी अचानक से उनके सामने आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक घबरा जाते हैं। अब घबराएंगे तो क्यों नहीं घबराएंगे, क्योंकि उनके पास कोई लूट ही नहीं है एंड उन्होंने जो है फाइट भी नहीं किया, तो उनको नॉलेज ही नहीं है कि मुझे कैसे फाइट लेना है इस एनिमी से, कैसे मुझे जीतना है। सो गाइस आप लोगों को बस ये बोलना चाहता हूं कि रैंक पुश करने के इरादे से ना खेले। अब देखो आप रैंक पुश करो तो रैंक पुश करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एक तो आप जो है रश करके भी रैंक पुश कर सकते हो एंड आप लोग जो है रश प्लस सर्वाइव दोनों जो है करके भी आप जो है रैंक पुश कर सकते हो। सो गाइज मैं आपको प्रेफर करूंगा आप जो है थोड़ा सा सर्वाइव करो लेकिन रश भी करो, आप उतरो लूट करो, अच्छी लूट करने के बाद आप जो है फाइट लो, फाइट लेने के बाद आप जैसे एक दो किल करोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई यार चलो मैं खेल सकता हूँ। एंड अगर कोई भी एनिमी आपके सामने आया आप उससे कॉन्फिडेंटली फाइट लो बिना डरे, अपने अंदर ये सोच रखो कि भाई मेरे को जो है अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करनी है, और अगर कोई भी एनिमी आपको मार देता है तो अपने अंदर अपने मन में ये सोच कभी ना लाएं कि भाई मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई, आप बहुत अच्छे खेलते हो, आपने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। सो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, मतलब कि हमारी टिप नंबर 4 जो कि है डोंट प्ले द गेम टू मच। सो गाइस बहुत सारे बंदे जो है गेम को बहुत ज्यादा खेलते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को इस
टिप को जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, एक प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूबर होने के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है, एंड मैं जो हूँ पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप लोग भी मैक्सिमम फ्री फायर प्लेयर्स जो है स्टूडेंट होते हैं, एंड स्टूडेंट ना भी हो तो भी आप लोगों को इस पॉइंट के ऊपर, इस टिप के ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी गाइस क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर कहीं फ्रेंड्स आप गेम को बहुत ज़्यादा खेलोगे, बहुत ही ज़्यादा, आप देखो एक लिमिट होती है फ्रेंड्स हर एक चीज़ की। अगर आप खाना खाते हो तो आप खाना खाओगे तो खाना खाने की भी एक लिमिट होती है, एंड पानी पियोगे तो पानी पीने की भी एक लिमिट होती है। इसी प्रकार से गेम खेलने की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर कहीं आप हद से ज़्यादा खाना खाओगे तो वो खाना फ़ायदा देने की जगह आपको नुकसान देगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर कहीं आप गेम को लिमिट में खेलोगे तो आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा, लेकिन अगर कहीं आप गेम को हद से ज़्यादा खेलोगे तो आपका गेम प्ले ख़राब भी होगा। ये एक सिंपल सी बात है और ये आपको समझनी है, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। सो आप लोगों को जो है गाइस इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है कि आप लोगों को गेम को ज़्यादा नहीं खेलना। आप गेम को ज़्यादा खेलोगे तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, गेम को ज़्यादा खेलने से आपका जो है माइंड डिस्टर्ब होगा, तो आप लोगों को जो है गाइस गेम को जो है एक लिमिट में खेलना है। एक लिमिट में खेलो, जब तक आपके अच्छे गेम जा रहे हैं खेलो, एंड जैसे ही आपने गेम खेला एंड दो तीन गेम्स में आप लगातार मारेगा तो गेम को थोड़ा बंद करो, थोड़ा रेस्ट लो, अपनी आँखों को थोड़ा आराम दो, थोड़ा बुक पढ़ो, ठीक है, मतलब और थोड़ा बहुत बाहर भी घूम लो एंड थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर आप गेम खेल लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस प्रकार से आप अपने माइंड को जो है डाइवर्ट करो, थोड़ा बहुत गेम से भी थोड़ा अलग रखो माइंड को। टोटली अगर कि आप गेम ही खेलते रहोगे तो आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को किस तरीके से फाइट लेना है, एंड अगर आप अच्छे से फाइट नहीं ले पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा और आप अच्छे से गेम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मैं जो हूँ जितने भी पॉइंट्स को अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, जितने पॉइंट्स को जो है यूज़ करके मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट करता हूँ, वही पॉइंट आप लोगों के सामने रखे एंड आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार, मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो में जो है हमको 3000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। मेरे 3 घंटे मैंने सोचे इन पॉइंट्स को, जो है मैंने सोचा समझा एंड अपने तरीके से जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स 3000 लाइक्स का एम है, प्लीज़ गाइज इस एम को जो है कंप्लीट कर देना। एंड गाइज, अगर कहीं आप लोग जो है मुझे जो है भाई मानते हो अपना, तो इंस्टाग्राम पे जाओ एंड अपने भाई को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि गाइज जो सब्सक्राइबर्स तो मेरे बहुत सारे हैं लेकिन जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेते हैं वो मेरे दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी करता रहता हूँ एंड आप लोगों से बात करने के लिए बहुत सारे पोस्ट भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो चलो यार, आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, शेयर कर दो यार अपने दोस्तों में, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कि आप इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो, ताकि आप लोग जो है मेरा एक वीडियो मिस ना कर पाओ। चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।